हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टुडेज़ क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.5. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. सी, वी हैव वन ट्री, एक ट्री था और वो 5 मीटर की हाइट से ब्रोकन हो गया. मतलब यहाँ तक उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है, उससे ऊपर जो है वो टूट के नीचे गिर गया, ऐसे थोड़ा इस तरीके से. ओके, यहाँ से वो 5 मीटर की हाइट से ब्रोकन हो गया. एंड टच इज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. और जहाँ पे वो उसको टच करता है वो 12 मीटर की हाइट पे करता है. ये देखो, ट्री था, 5 मीटर की हाइट से वो टूट गया, मतलब ऊपर तक था, टूट के वो नीचे चला गया, ग्राउंड को टच करता है. जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करता है वो 12 मीटर की डिस्टेंस है ये वाली. हमें फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ए बी सी. अब देखिए, ओरिजिनल हाइट हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगी? ये तो 5 मीटर तो है ही है उसकी, ये भी तो ट्री का टूटा हुआ हिस्सा है ना, ऊपर वाला पोर्शन. तो ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, ए सी हमें निकालना है. और उसने पूछा टोटल हाइट ट्री की, तो ये तो उसकी वो वाली हाइट है जो टूट गया, ये अभी भी खड़ा है, तो हम दोनों को लास्ट में क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे, तो उसकी ओरिजिनल हाइट हमारे पास आ जाएगी. अब लेट अस सी की क्वेश्चन को करना कैसे है. ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो ट्री होता है वो ग्राउंड पे कैसे खड़ा होता है, 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है. तो क्या ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी? है, यस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन यूज पाइथागोरस. तो आप यहाँ पे करेंगे यूजिंग पाइथागोरस, आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, जिसमें ए सी का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास किसके इक्वल आता है, ए बी का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. बेस परपेंडिकुलर को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज कभी भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. ओके, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास ए बी कितना है, 5 का स्क्वायर. बी सी आपके पास कितना है, 12 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25. अब तो आपको पता है सबको, 12 का स्क्वायर 144. और ये स्टूडेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 169. और इधर आपके पास क्या था, ए सी का स्क्वायर. अब देखिए, आप 169 को किसी का स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, 169 को आप लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर. तो ए सी आपके पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, 13 मीटर. ये आ गया आपका 13. मतलब ये ए सी क्या है, ट्री का ऊपर वाला टूटा हुआ हिस्सा. अगर वो आपसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की ओरिजिनल हाइट देखो कितनी हो जाएगी, 5. ये वाला तो अभी भी खड़ा है, ठीक है, और जो टूट चुका है वो कितना टूटा है, 13. तो ओरिजिनल हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी ट्री की, 5 + 13, 18 मीटर हाइट हो जाएगी ट्री की. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेक्टेंगल, देखो ट्रायंगल आपके पास कैसे बनी है, इस तरीके से, ऐसे, एंड इट इज लाइक दैट. ओके, वन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड लाइक दैट. दिस इज अवर पी क्यू एंड दिस इज अवर आर. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. वो आपसे पता है क्या पूछ रहे हैं, कि इन तीनों में से ये वाला जो एंगल है, दिस इज ऑफ 25 एज इट इज गिवन इन द फिगर, दिस एंगल इज ऑफ 65. ओके, वो पूछ रहे हैं दिस एंगल इज नॉट गिवन टू यू, ये आपको नहीं गिवन है. पूछ रहे हैं तीनों में से कौन सा केस ट्रू है. फर्स्ट केस, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर, ये ठीक है, या पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये केस और ठीक है, या आपके पास आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर. मतलब इन तीनों में से एक करेक्ट है और दो आपके रोंग है. आपको बताना है दो कौन से रोंग है, आपके पास रीजन भी होना चाहिए. ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखें, जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, एक चीज़ को जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है. राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का. और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट ये साइड हमारी होती है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बनता है उसके जो ऑपोजिट जो साइड रहती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज रहता है. और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है. ठीक है, और फॉर्मूले में हमारे पास कैसा होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. मतलब हाइपोटेन्यूज एक साइड पे अकेला रहता है. तो मतलब इस क्वेश्चन में ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि वो अकेला है और ये बेस परपेंडिकुलर है. ठीक है, बट इनमें से भी दो रोंग एक करेक्ट है, वो हमें ढूंढना है. चलिए इस पर फोकस करते हैं. ये 25 और ये 65 है. अगर मैं दोनों को ऐड करूँ स्टूडेंट, तो मेरा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का. और हमने पिछली एक्सरसाइज में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मेरे को थर्ड एंगल निकालना है, अगर मेरे को ये एक्स निकालना है, ये प्लस ये स्टूडेंट एक्स
प्लस 25 प्लस 65 तो मेरा किसके इक्वल होता है 180 को, क्योंकि कोई भी कैसी भी ट्रायंगल क्यों ना हो उसके एंगल का सम तो हमेशा 180 रहता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस इन दोनों, ये दोनों 90 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगी 90, मतलब ये वाला एंगल आपके पास कितने डिग्री का आ चुका है 90 का। और इसके जो ऑपोजिट होगा, देखो ये 90 के जो ऑपोजिट है वो ये वाला है आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। बस यही पता करना जरूरी था, रिपीट कर देती हूँ, ये 25 गिवन था, ये 65 गिवन था, ये हमें पता करना था। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे, जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, एक्स हमने इसको लेट कर लिया, ये 25 और ये 65 था, हमने ऐड कर लिया, एक्स प्लस 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 होता है, ये तो सबको पता है। 90 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 90 आ गया, ट्रांसपोज करके हम उधर लेके गए 180 में से 90 को माइनस किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90। और अभी अभी हमने क्या बात की है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे पाइथागोरस लगता है राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा राइट एंगल बना, इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, देखो क्यू आर आ गई, ये हाइपोटेन्यूज है क्यू आर, तो ये वाला आपका ठीक है। इस साइड पे देखो क्यू आर एक साइड पे है ना, और दूसरी साइड पे कौन है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज नहीं है और ये भी हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो केस जो सेकंड है आपके पास दैट इज ट्रू। ठीक है, एक्सप्लेन अब आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव द नॉलेज, यू हैव द रीजन टू गिव कि व्हाई दिस इज पाइथागोरस एंड व्हाई दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है स्टूडेंट्स, एक आपके पास रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो 40 सेंटीमीटर की गिवन है, और जिसका डायगनल है, डायगनल ऐसे जाता है ना, देखो जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराता है ये आपका डायगनल है, और डायगनल इसका कितना है 41 सेंटीमीटर है। अच्छा सेंटीमीटर, ठीक है, आपको निकालना है इसका पैरीमीटर। अब देखियो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, यही होता है ना, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, 2 × L + B फॉर्मूला होता है, पैरीमीटर निकालना है। बट स्टूडेंट इसमें बी तो गिवन ही नहीं है हमें, ठीक है बी गिवन नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, कितने इजी तरीके से इसका बी निकाल के लेके आते हैं, बी मतलब इसकी ब्रेथ। अब एक इधर देखो, बस इसको इतने पोर्शन को देखो, ये क्या बन गया, ए डी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है देखो आपके पास, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो होता है तो हमें पता ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसका हाइपोटेन्यूज गिवन है और जिसका हमें बेस गिवन है, लगा सकते हैं ना पाइथागोरस हम यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे एडीसी में पाइथागोरस लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी लिख लो, एसीडी है ना, इसमें देखो ये हाइपोटेन्यूज होगा ना स्टूडेंट, राइट एंगल के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो देखो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ए सी हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, लगा दो जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है, 41 का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर हमें निकालना ही है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी सी कितना है 40 का स्क्वायर। ठीक है, इसका 41 का स्क्वायर, देखो 41 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 41 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 41 और इधर आपके पास कितना आ जाएगा 64, तो इनका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 1681, एडी का स्क्वायर और स्टूडेंट 40 का स्क्वायर, मतलब 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 1600। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 1600 को उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोजिशन वाला जो मेथड हम करते हुए आते हैं, 6081 - 1600 = AD² यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 81 = AD². अब बताओ 81 किसका स्क्वायर होता है ना, ऑल ऑफ यू नो 81 9 का स्क्वायर होता है, AD का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पास AD की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और AD ये देखो AD था ना हमारा, ये जो कि हमारी क्या है रेक्टेंगल की ब्रेथ। पाइथागोरस से हम क्या निकाल के लेके आए स्टूडेंट, हम ब्रेथ निकाल के लेके आए हैं, अब उस ब्रेथ का यूज हम यहाँ पे पैरीमीटर निकालने के लिए यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 × लेंथ कितना है स्टूडेंट्स 40 प्लस ब्रेथ, अभी हम कितना निकाल के लेके आए 9, चलिए 2 × यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, 40 प्लस उसके बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 40 प्लस 9 49, और जब आप इनको ऐड कर देंगे स्टूडेंट व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 98 सेंटीमीटर, 2 × 9 = 18, 1 कैरी, 2 × 4 = 8 + 1 = 9,
तो आपका कितना आ जाएगा, पैरामीटर कितना आ जाएगा, दो स्टेप में क्वेश्चन होना है ये, ठीक है। पहले आप पाइथागोरस यूज करेंगे, वहां से ब्रेथ लेकर आएंगे, उस ब्रेथ का यूज करेंगे रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए। फाइन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है द डायगनल ऑफ द रोम्बस। जो डायगनल है रोम्बस के, देखो रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स बिल्कुल सेम होती हैं, और जो इसके डायगनल गिवन है स्टूडेंट्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। देखो कैसे ये होते हैं ना डायगनल जो अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं। तो एक जो डायगनल है ये पूरा डायगनल आपके पास 16 का गिवन है, ओके। ये देखो ये पूरा 16, और ये जो दूसरा डायगनल होता है ये उसको हमेशा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर ये पूरा 16 था तो क्या मैं इसको 8-8 लिख सकती हूँ, कि ऊपर वाला हिस्सा भी 8 है और नीचे वाला हिस्सा भी 8 है, ओके। और जो दूसरा डायगनल है वो 30 का है, देखो ये वाला बीडी, ऐसे ये भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 15, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आई होप कि ये 30 था 15, कैसे, बिकॉज द डायगनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के बारे में तुम्हें कुछ चीज़ें तो शायद मैंने तुम्हें बताई हो, रोम्बस एक स्क्वायर जैसी फिगर होती है, रोम्बस कुछ कुछ स्क्वायर जैसा होता है, इसके अंदर भी चारों साइड सेम होती है, इसके अंदर भी चारों साइड सेम होती हैं, बट इसके अंदर सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसके अंदर जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, है ना। और इसके जो डायगनल होते हैं ना स्टूडेंट वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं, ये 16 था, बीच में से अगर दूसरा डायगनल निकलेगा तो 8-8 में डिवाइड कर देगा, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार इस फिगर को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालने को बोला उसका पैरीमीटर, हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब पैरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, जैसे आपके पास स्क्वायर का होता है वही फॉर्मूला रोम्बस का चलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर जैसी फिगर है, 4 × साइड। हमें निकालनी क्या है, ये साइड, ये निकालना है इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब ये वाली ट्रायंगल देखो एक बार, सिर्फ इस वाली ट्रायंगल पे फोकस करें स्टूडेंट्स, देखो इस वाली ट्रायंगल पे, ये ए ओ बी बन रही है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो एंगल होता है ना स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री का ही होता है। इसके जो अपोजिट है ए बी, 90 डिग्री के जो अपोजिट है वो आपका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। आप यहाँ पे करेंगे यूजिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए ओ बी, पूरे को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये निकल गया तो सारे ही तो इक्वल आते हैं, तो ये एक निकल जाएगा उतना ही बी सी आएगा, उतना ही सी डी आएगा, उतना ही ए डी आएगा, है ना, स्क्वायर जैसी बात है। यूजिंग पाइथागोरस इन ए ओ बी, तो ए बी का हमें पता लगा लिया कि वो हाइपोटेन्यूज है, कैसे पता लगाया, क्योंकि वो राइट एंगल के ऑपोजिट थी, उसके यहाँ पे आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर। देखो ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर, ओ बी क्या है, हमारा बेस। अच्छा चलो रखते हैं वैल्यू, ए बी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ओ ए मतलब 8 का स्क्वायर और ओ बी मतलब 15 का स्क्वायर। अब 8 × 8 = 64, 15 का स्क्वायर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 225, आप इन दोनों को करेंगे ऐड, जब आप इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट आपके पास कितना आएगा 289, इधर आ गया आपके पास ए बी का स्क्वायर। अब 289 बताओ मुझे किसका स्क्वायर होता है, जिसने स्क्वायर्स याद किए हुए हैं वो होता है 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। 17 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, देखो क्या आ गया आपके पास, साइड आ गई। ए बी क्या है इसकी, देखो यहाँ पे ए बी क्या है, साइड है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। निकाल दो पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस, अभी अभी हमने साइड निकाल दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 × साइड, 4 × साइड कितना आया, 17, जब आप करेंगे तो 17 × 17 फोर जा कितना होता है, 68 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, रोम्बस का पैरीमीटर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर रियली आपको वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और बढ़िया वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।